जय जगन्नाथ एवरीवन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप ऑनलाइन में असम राइफल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली फ्री जॉब अलर्ट में आना पड़ेगा और उसका असम राइफल में जहाँ दिखा रहा है उसमें सिंपली क्लिक करके आप उसको साइड में जाना है। जैसे आप उसके साइड में क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करोगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा नेट का स्लो की वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आपके सामने ऐसा पेज आएगा निकल के, तो आपको सिंपली उसके हिसाब से जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे कि आपका स्टेट वाइज जो है तो आपको पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जैसे आप अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपका क्या है कि थोड़ा ऐसा होगा, उसके बाद आपका ट्रेड अप्लाई फॉर जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि फिटर वालों का इलेक्ट्रिकल फिटर में आएगा वैकेंसी निकला है तो आपको सिंपली इधर से इलेक्ट्रिकल फिटर में अप्लाई कर देना पड़ेगा। फिर थोड़ा आप नीचे जाओगे तो आपके सामने क्या होगा कि ना जो इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल कॉमन है उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इधर से क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक पेज आएगा, तो आपको सिंपली नीचे एक दिया है जैसे कि आपने 10 क्लास पास किए हैं, इसके बाद आपका क्या है कि आपका जो आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये है आपका जो वैकेंसी वाइज मतलब ट्रेड वाइज वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। तो फिटर वाले फिटर में और इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इधर से अपना मतलब जो पोस्ट है वो पोस्ट आपको सिलेक्शन कर लेना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद नेक्स्ट अपना है ओबीसी हो या जनरल हो या एसटीएससी जो भी हो उसके हिसाब से आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 10th क्लास मतलब 10th में क्लिक करके आई एग्री का ऑप्शन शो कर रहा है, उधर से आपको सिंपली क्या करना है क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करना चाहते हो तो आई एग्री पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपके सामने ऐसा एक शो करेगा, यू हैव सिलेक्टेड करेक्ट ट्रेड फॉर अप्लाई। यदि आप करेक्ट ट्रेड सिलेक्ट किए हो तो उसके ऊपर ओके कर देना है। इसके बाद जो भी आपका फॉर्म आएगा निकल के उसके हिसाब से आपको ये सब फिलअप करना पड़ेगा। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है। ये आपको सिंपली इधर से देख लेना है, देख के जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। ID document and permission certificate. Yes, ma'am. Which one? What did they do?
एट लास्ट इधर से आपको जो भी मतलब एंटर वेरिफिकेशन कोड डाल के जब भी आप सबमिट करोगे तो सिंपली आपको इधर से सबमिट कर तो जैसे आप इधर से मतलब आपका प्लेस और ये लेके सबमिट करोगे ओके पर क्लिक करके अब जैसे आप इधर से मतलब ओके करोगे तो आपके सामने क्या होगा कि ऐसा है कि सर्च बटन का मतलब शो होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप इधर से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन इधर से सबमिट हो जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है ना उसको आपको प्रिंट कर लेना है। तो ये था एक छोटा सा न्यूज़ कि कैसे ही आप ऑनलाइन पर असम राइफल का जो आईटी रिलेटेड पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।